Hey guys, what's up? Welcome back to today's video. आज के वीडियो में I will be teaching you a very छोटू सा but a very important topic जिसका नाम है sin and anti-addition. अब I will tell you one या two reasons कि तुम्हें ये वीडियो क्यों देखनी चाहिए. यार YouTube पे अगर वीडियोस देखोगे ना तो कई लोगों ने इसको एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे में समझा रखा है, कई लोगों ने इसको 10 मिनट में समझा रखा है. तो जिन्होंने 10 मिनट में समझा रखा है वो JEE एडवांस टाइप के चीज नहीं है. जिन्होंने एक एक घंटे तक समझा रखा है इतना तुम्हारे पास टाइम नहीं है. सो व्हाट आई विल बी डूइंग इन शॉर्ट, ना तो मैं 10 मिनट लूंगी ना मैं एक घंटा लूंगी, इनके बीच में कुछ ट्राई करूंगी कि तुम लोग को काफी कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और इस कॉन्सेप्ट को यूज कैसे करोगे क्वेश्चंस में ये भी क्लियर हो जाए. तो उसके लिए आई विल बी रिकॉर्डिंग वन वीडियो जिसका नाम है सिन एंड एंटी एडिशन ऑफ हैलोजन्स टू एल्की. ठीक है, फटाफट से शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस टॉपिक का मतलब क्या है. मान लो मेरे पास एक पर्टिकुलर एल्कीन है, ठीक है. अगर मैंने दोनों आर ग्रुप्स एक साइड पे रखे हैं तो उसको सिस बोलूंगी, अगर दोनों आर ग्रुप्स ऑपोजिट होते तो मैं उसको ट्रांस बोलती, है ना. मान लो मुझे इसके अंदर रिएक्शन करनी है बी आर टू की रिएक्शन कराते हैं तो देखो मैकेनिज्म क्या होता है. सबसे पहले बी आर पे डेल्टा प्लस और बी आर पे डेल्टा माइनस लगा दो, और इसको वहां लिखने की बजाय मैं थोड़ा इधर लिख देती हूँ. मतलब बुक्स में जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, विच एवर वे यू वांट तुम वैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो. हम कहते हैं अटैक होगा फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, है ना. तो डबल बॉन्ड अटैक करेगा बी आर डेल्टा प्लस पे, ये बी आर अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके दफा हो जाएगा. क्या बना, आर सी एच सी आर एच, ये बी आर सेंटर में और यहां पर एक पॉजिटिव आ गया, मतलब एक इंटरमीडिएट काइंड ऑफ थिंग विल बी फॉर्म्ड. ठीक है, अब मान लो कि ये था एल्कीन का प्लेन ऑफ पेपर, एक बी आर ने अटैक किया नीचे से. सो जो सेकेंड बी आर होता है ना, टू अवॉइड द स्टेरिक रिपल्शन, वो बी आर क्या करता है, कहता है कि भैया मैं तो ऊपर से आऊंगा और इस वाले बी आर को दूसरे कार्बन पे भेज देता है. मतलब क्या कंपाउंड बनेगा, एक बी आर नीचे से अटैक होगा और एक बी आर हमारा ऊपर से अटैक होगा. ठीक है, तो ऐसे किसी एडिशन को यहां पर दिस इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल, एक एटम या एक ग्रुप नीचे से आ रहा है, दूसरा एटम या ग्रुप ऊपर से आ रहा है, उसको हम बोलते हैं एंटी एडिशन. ये बात प्लीज याद रखो. एक होता है हमारा सिन एडिशन, जिसके बारे में मैं बाद में बकर करूंगी. सिन का मतलब अटैक विल बी फ्रॉम सेम साइड. ठीक है, एक होता है हमारा एंटी एडिशन. एंटी एडिशन का मतलब एक नीचे से और एक ऊपर से. क्लियर, तो इतनी बात तो क्लियर हो गई सबको कि एल्कीन में अगर हैलोजन डालते हैं तो रिएक्शन कैसी होती है, एंटी एडिशन रिएक्शन. फाइन, अब देखो क्वेश्चन JEE में क्या पूछा जाता है वो समझाती हूं. पहले मैं मतलब क्वेश्चन बताऊंगी उसके बाद थियरी बताऊंगी, क्योंकि थियरी हमारे रिक्वायर्ड नहीं है, वी आर मोर कंसर्न अबाउट द क्वेश्चन. तो पहले क्वेश्चन देख लो कौन सा पूछा जाता है. क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मान लो मेरे पास सिस एल्कीन है, ठीक है, और मैंने इसमें बी आर का अटैक कराया, फाइन, और मुझे पता है अटैक क्या होता है, एंटी एडिशन. अब मुझे बताना है कि जो मेरे पास प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, क्या वो रेसिमिक मिक्सचर होता है या वो मीजो कंपाउंड होता है. मतलब ही वॉन्ट्स अस टू टॉक अबाउट ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ द प्रोडक्ट, ही इज हेल नॉट कंसर्न अबाउट कि क्या मैकेनिज्म होता है, कैसे बनता है, उसको कोई परवाह नहीं है. ही जस्ट वॉन्ट्स यू टू टेल कि क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, क्या ये रेसिमिक मिक्सचर है या मीजो कंपाउंड है. ठीक है, देखो अब इसको रटने का एक तरीका होता है, बहुत सारी बुक्स में सेम चीज मेंशन है. मतलब बुक्स जनरली जो मैं अच्छी टाइप की ऑर्गेनिक की बुक्स की बात करती हूँ वहां पर ये चीज अच्छे से डिटेल में लिखी हुई है. इसको सब लोग ऐसे समझाते हैं, कार टैम रूल. अब कई लोग इसको किसी और रूल से समझाते हैं, बट ये तो लॉजिकल सा, मतलब एक सिंपल छोटा सा लॉजिक है जिसको बहुत लोग यूज करते हैं टू एक्सप्लेन कार टैम रूल. देखो क्या होता है, अगर मैंने लिया सिस एल्कीन और उसमें मैंने कराई एंटी एडिशन, ठीक है, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है रेसिमिक मिक्सचर. अब जो रेसिमिक मिक्सचर होता है, मतलब
एक कंपाउंड राइट प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को राइट में रोटेट करेगा, एक कंपाउंड लेफ्ट में रोटेट करेगा, मतलब जो रेसिमिक मिक्सचर बनता है वो होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, मतलब एक कंपाउंड में मान लो आर आर है, दूसरे में एस एस है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे और जो ओवरऑल कंपाउंड, जो ओवरऑल सॉल्यूशन होगा वो होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब टैम रूल क्या कहता है कि अगर मैंने ट्रांस एल्कीन के साथ स्टार्ट किया, ठीक है, एंटी एडिशन कराई, तो जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो होगा मीजो कंपाउंड। बाय द वे, जिनको नहीं पता, मीजो कंपाउंड भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो दोनों के दोनों केसेस में जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। सिस के केस में रेसिमिक मिक्सचर बनेगा और ट्रांस के केस में मीजो कंपाउंड बनेगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा रूल। अब मैं इस रूल के पीछे का लॉजिक समझाती हूँ और कैसे क्वेश्चन आएंगे ये करना सिखाती हूँ। देखो, गिव मी अ सेकेंड, लेट मी क्लीन द बोर्ड और इसके पीछे मैं लॉजिक बताती हूँ। सबसे पहले ना मैं एडिशन कराती हूँ ट्रांस की। मान लो हमने एक कंपाउंड लिया, ट्रांस एल्कीन ले लिया। ट्रांस एल्कीन का मतलब, देखो शॉर्ट में समझाऊंगी, मैकेनिज्म पूरा डिटेल में जाना हमारे यूज का नहीं है, बट कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये समझना पड़ेगा, नहीं तो कार टाइम रट के कोई फायदा नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, ये मैंने एंटी एल्कीन, ये मैंने ट्रांस एल्कीन ले लिया, एक आर ग्रुप नीचे है, एक आर ग्रुप ऊपर है, ठीक है, अवे फ्रॉम ईच अदर है। अब मैंने इसमें क्या कराया, बी आर का अटैक करा। जब मैं बी आर का अटैक कराती हूँ तो मैं बोलती हूँ यार एक ब्रोमीन नीचे से आएगा और दूसरा ब्रोमीन ऊपर से आएगा, है ना, एक नीचे से अटैक करा दो, एक ऊपर से अटैक करा दो। इसी का मैं दूसरा केस बना देती हूँ, इस ब्रोमीन को ऊपर से, उस ब्रोमीन को नीचे से। मतलब सारे केसेस मुझे नहीं करना, एक समझ लेते हैं, बाकी सारा सेम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये एक प्लेनर कंपाउंड था, अगर नीचे से अटैक होगा तो ये वाला बॉन्ड ऊपर की तरफ चला जाएगा, ये बॉन्ड भी ऊपर की तरफ चला जाएगा, है ना। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, एच आर बी आर, मतलब H और R ऊपर चले गए, बी आर नीचे आ गया। ठीक है, और इसकी ये वाली लाइन ड्रॉ करी। अब अगर बी आर ऊपर से आ रहा है और ये कंपाउंड भी प्लेनर था तो वो R और H को नीचे की तरफ धकेलेगा, ये इनको कहेगा कि नीचे आ जाओ और बी आर खुद ऊपर चला जाएगा। तो क्या बन गया, बी आर आर एच। ठीक है, क्या किया मैंने, पहले बी आर को नीचे से लगाया तो बी आर ने धक्का मारा, एच इधर, आर इधर और बी आर नीचे। फिर मैंने क्या किया, ऊपर से धक्का मारा तो आर उधर चला गया, एच इधर आ गया और बी आर इधर आ गया। ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब देखो ये बन गया मेरा फिशर प्रोजेक्शन, और मुझे पता है यार फिशर प्रोजेक्शन को अगर मैं बॉन्ड को 180 डिग्री से रोटेट कर देती हूँ, ठीक है, इफ आई रोटेट द बॉन्ड बाय 180 डिग्री, तो मतलब कॉन्फिगरेशन में चेंज नहीं होगा, और अगर कॉन्फिगरेशन में चेंज नहीं होगा तो कैन आई ड्रॉ इट लाइक दिस, बी आर एच आर। ध्यान से समझो, मतलब मुझे दो वाई बनाने हैं पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, क्योंकि इससे मुझे फॉर्म निकालनी आती है कि सिस बनेगा या मतलब मीजो बनेगा या रेसिपिक मिक्सचर बनेगा, मेरे लिए इजी हो जाएगा। तो अगर मैंने इसको 180 डिग्री रोटेट किया तो ये इधर आ गया, इसको 180 रोटेट किया तो ये इधर चला गया, इसको 180 रोटेट किया तो ये इधर आ गया। ठीक हो गया, अब ये दो वाई फॉर्म बन गए। अब इन वाई फॉर्म को मैं ऐसे लिख देती हूँ, मतलब बी आर ऊपर की साइड लिख दो, एक ऊपर एक नीचे, एक एच लेफ्ट में, एक आर राइट में, एक एच लेफ्ट में, एक आर राइट में, लिख दिया। अब जरा पता करके बताना कि ये आर है या एस है, या छोड़ो जो भी है आर या एस, तो यार ये तुम्हें दिख रहा है देयर इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है जो मॉलिक्यूल को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है, आधा मॉलिक्यूल ऊपर आधा मॉलिक्यूल नीचे, है ना, ये बात ठीक है ना। तो यार इसी को तो बोलते हैं मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड क्या होते हैं, मीजो कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं बिकॉज ऑफ इंटरनल कंपेंसेशन। अब भाई साहब ये इंटरनल कंपेंसेशन क्या बोला है ये भी समझाती हूं, एक बार नंबरिंग करना, ये वन हो गया, इसको टू दे देती हूं, इसको थ्री, इसको फोर। सो वन से टू से थ्री मतलब ऑपोजिट जा रहा है तो एस होना चाहिए, मगर हाइड्रोजन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन पे तो आर हो गया। अगर ये आर है ना तो करके देखो इसको एस आएगा, मतलब एक चीज आर है तो दूसरी चीज एस है। अगर एक कार्बन लाइट को राइट में रोटेट करेगा तो दूसरा कार्बन
लाइट को लेफ्ट में रोटेट करेगा, मतलब ये जितना राइट में करेगा ये उतना लेफ्ट में करेगा, मतलब कंपाउंड के अंदर इतनी भेड़चाल है कि वो आपस में एक दूसरे को कंपेंसेट कर लेंगे, तो ओवरऑल कंपाउंड क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। यही तो समझाया था, ट्रांस एल्कीन एंटी एडिशन कराएंगे तो मीजो कंपाउंड बनेगा, जब मैंने बोला था ठीक है। अगर ये नहीं अच्छा लग रहा भाई, अगर हमें देखना है कि सिस एल्कीन के साथ क्या होगा, तो कोई बात नहीं, एक सेकंड के लिए रुक जाओ। सिस एल्कीन का मतलब आर ग्रुप मैंने सेम साइड पर रख दिया है ना, दोनों आर ग्रुप सेम है, तो यहां से बी आर नीचे, वहां से बी आर ऊपर से आएगा, तो बी आर नीचे से आया, एच यहां गया, आर यहां गया, ठीक हो गया। यहां देखो, अब यहां से बी आर ऊपर आया तो एच यहां आ गया और हमारा आर यहां आ गया, ये बात भी ठीक है। अब इसको देखो 180 डिग्री से रोटेट करूंगी तो H हमारा इधर आ गया और R हमारा इधर आ गया। अब अगर इसको इसी सेम फॉर्म में करके देखोगे तो पहले वाला कार्बन भी हमारा R आएगा, दूसरा कार्बन भी R आएगा, या पहला कार्बन भी ऐसा आएगा, दूसरा कार्बन भी ऐसा आ जाएगा। देखो क्या करेंगे, गिव मी अ सेकेंड, ये बन गया हमारा। देखो मैं क्या करना चाह रही हूं, मैंने बी आर रखा नीचे, मैंने बी आर रखा ऊपर, एक साइड पे रखा एच आर, एक साइड पे आर, एक साइड पे एच, ठीक है। अब इसको एक बार सी आई पी रूल्स लगा के देखते हैं कि क्या आ रहा है। लेट दिस बी वन, दिस बी टू, दिस बी थ्री, दिस बी फोर। मेरे को आर ग्रुप पता नहीं है इसीलिए मैंने इसको टू लिखा, इसको थ्री लिखा। अगर आर ग्रुप पता होता तो शायद प्रायोरिटी चेंज हो जाती, बट जो मैं ऊपर फॉलो करूंगी वही नीचे फॉलो करूंगी, इसीलिए मेरे आंसर में कोई गड़बड़ नहीं आएगी, ठीक है। तो देखो, वन से टू से थ्री होना चाहिए क्लॉकवाइज, बट फोर्थ ग्रुप कहाँ है, हॉरिजॉन्टल, तो क्या हो जाएगा, एस, ठीक है। अब यहां पे करके देखते हैं, ये हटा देती हूं एक बार, ये तो एस हो गया। अब देखो, वन टू थ्री फोर, सो वन से टू से थ्री होना चाहिए आर, बट क्या हो जाएगा, एस, तो दोनों एस आ गए ना। तो अगर ये दोनों एस आ गए तो मतलब जो दूसरा कंपाउंड बनेगा, अब ये तो हमने क्या किया था, बी आर नीचे बी आर ऊपर, ये भी तो पॉसिबल है कि यहां पे बी आर ऊपर आ जाता, यहां बी आर नीचे आ जाता, तो अगर ऐसा केस बनाते तो ऊपर वाला बी आर नीचे वाला बी आर, ठीक है। आर आर एस एस मतलब 50% बनेगा ये, 50% बनेगा ये, तो ओवरऑल बनेगा 100%, वो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। दैट्स इट, ठीक है। अब अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है, जनरली जेई में आज तक, जेई एडवांस में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो जब भी ये क्वेश्चन आया है उन्होंने assertion reason के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा है, तो इन केस अगर उन्होंने क्वेश्चन पूछा तो कैसे कहा टैम रूल बना, वो सबको क्लियर हो गया। अगर उन्होंने क्वेश्चन को ट्विस्ट किया तो ये सारी चीजें समझ आनी चाहिए। अगर ट्विस्ट नहीं किया, स्ट्रेट अवे क्वेश्चन आया मेल्स या नीट में, तो याद क्या रखोगे, याद रखने का हमारा बेसिक सिंपल सा फंडा ये है, कार टैम सिस अस, ये क्या है, सिस एल्कीन एंटी एडिशन रेसेमिक मिक्सचर, ट्रांस एल्कीन एंटी एडिशन मीजो कंपाउंड, दैट्स इट, ठीक है। और ये सब हमने करा क्यों, ये हमने किया कि भाई अगर एल्कीन में Br2 की रिएक्शन होती है तो क्या कंपाउंड बनता है, दैट्स इट, ठीक है। आई होप वीडियो बहुत छोटी नहीं थी, आई होप वीडियो बहुत लंबी नहीं थी, बट जितना मैं बताना चाहती थी आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन दिस। अगर ये चीज पसंद आई तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड ऑब्वियसली अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।